वेलकम गाइस, मैं हूं मंगेश पांचाल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आज का वीडियो थोड़ा बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से गणपति बापा की शाडू माते से मूर्ति बनाई जा सकती है, और उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा गाइस किस तरह से बनाया जाता है, और उसका मैं यह हमारा पूरा ट्यूटोरियल है गाइस, उसमें मैं आपको मूर्ति बनाने के बाद उसको सूखने के बाद में उसका कलरिंग भी कैसा किस तरह से उसे कलरिंग करते हैं वो भी बताऊंगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया थे जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो उसका ही होगा, इसी ट्यूटोरियल का होगा, क्योंकि उसमें मैं इसी गणपति बापा को कलरिंग कर किस तरह से किया जा सकता है वो बताऊँगा, और कौन सा कलर यूज़ करना है आपको, और कितनी मिट्टी लगती है, कितना मटेरियल लगता है, कौन सा मटेरियल लगता है वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मैंने तो फिलहाल 25 लगभग गणपति बापा बना लिए हैं अभी तक, तो इसी कमीशन वर्क की वजह से मेरा वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया गाइस। तो कोई बात नहीं, मैं आपको मेरे जो अभी तक बनाए हुए गणपति बापा की मूर्ति है मैं आपको वो दिखा देता हूँ किस तरह से मैंने अभी तक बनाया है, और आज हम किस तरह से बनाएंगे वो भी हम आप देख सकोगे। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से मैंने बनाई है। चलो गाइस, तो मैं मेरे गणपति बापा की मूर्ति कितने बनाई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो बापा मोरिया रे, बापा मोरिया मोरिया रे, श्रीमंत दगडूशेठ गणपति की जय, ओ श्रीमंत दगडूशेठ गणपति की जय, बापा मोरिया 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 रे, बापा मोरिया सो गाइस। तो आपने देखा कितने सारे मैंने गणपति बापा बनाए हैं, उसी तरह से मैं ये भी गणपति बापा आपको किस तरह से बनाना है वो सिखाऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कीजिए गाइस, क्योंकि ये पूरा ट्यूटोरियल है, मैं ये पूरा ट्यूटोरियल दो पार्ट में कन्वर्ट करूँगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो वीडियो को अभी शुरू करते हैं हम। सो गाइस, तो फर्स्ट हम बनाएंगे उसका बेस। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते रहूंगा गाइस, बस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखे। है धरती अंबर सितारे, उसकी नजरें
बापा मोरिया 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 रे बापा मोरिया 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 रे। श्रीमंत दगड़ू शेठ गणपति की जय। ओ श्रीमंत दगड़ू शेठ गणपति की जय। बापा मोरिया 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 रे बापा मोरिया 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 रे। विघ्न हरता है विधाता तेरे द्वार जो आए। विघ्न हरता है विधाता तेरे द्वार जो आए। चमक उठे हर राह उसकी खाब सच हो जाए। चमक उठे हर राह उसकी खाब सच हो जाए। जिसके सर पे छाओ तेरी उसकी ये दुनिया। जिसके सर पे छाओ तेरे उसकी ये दुनिया। रुतबा उसका ऊंचा रुतबा उसका ऊंचा जिसने तेरा नाम लिया। बापा मोरिया 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 रे। बापा मोरिया 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 रे। श्रीमंत दगड़ू शेठ गणपति की जय। ओ सलोना रूप तेरा मेरे मंगल मूर्ति। मेरे मंगल मूर्ति मेरे मंगल मूर्ति। रात दिन आँखों में तेरी जलती निर्मल ज्योति। जलती निर्मल ज्योति मेरे मंगल मूर्ति। तू अंधेरों को मिटाए तू सोते भाग जगाए। तू अंधेरों को मिटाए तू सोते भाग जगाए। तू धरती से अंबर तक सारे बुझते दीप जलाए। जिसके सर पे छाओ तेरी उसकी ये दुनिया। जिसके सर पे छाओ तेरी उसकी ये दुनिया। रुतबा उसका ऊंचा जिसने तेरा नाम लिया। आरंभ होगी ऐसी चाह न कोई। ऐसी चाह न कोई ऐसी चाह न कोई। तुझसे आके मिल ना जाए ऐसी राह न कोई। ऐसी राह न कोई ऐसी राह न कोई। हर कहीं तू ही तू देवा अन कहीं मैं भी तू देवा। हर कहीं तू ही तू देवा अन कहीं मैं भी तू देवा। हर दिल में तेरा बसेरा तुझसे रोशन सारी दुआएं। जिसके सर पे छाओ तेरी उसकी ये दुनिया। जिसके सर पे छाओ तेरी उसकी ये दुनिया। रुतबा उसका ऊंचा जिसने तेरा नाम लिया। बापा मोरिया 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 रे। बापा मोरिया।
बापा मोरिया 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 रे बापा मोरिया 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 रे श्रीमंत दगडूशेठ गणपति की जय ओ श्रीमंत दगडूशेठ गणपति की जय बापा मोरिया 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 रे बापा मोरिया 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 रे विघ्न हरता है विधाता तेरे द्वार जो आए सो गाइस तो देखो कितनी अच्छी तरह से ये अभी कंप्लीट हो चुका है। इसका अगला पार्ट जल्दी आ जाएगा। सो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि इसके आने वाला पार्ट आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इसी गणपति को मैं कलरिंग करके दिखाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए बाय बाय।